Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंग्री स्पून चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। तो अब जब खाना ना बन पा रहा हो तो देखो हंग्री स्पून और सीखो नई नई रेसिपी, तो सब्सक्राइब कर लो इसी बात पर ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए। आज की हमारी तीसरे दिन की टिफिन रेसिपी कद्दू की सब्जी और पूड़ी है, जो कि हम हलवाई स्टाइल बनाएंगे। जिस तरह से हम लोग हलवाइयों से अपने घर में कोई भी फंक्शन पड़ता है तो बनाते हैं, वही टेस्ट वाला बच्चे के टिफिन में आज हम कद्दू की सब्जी और पूड़ी बनाएंगे। तो आइए, कद्दू सब्जी और पूड़ी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी, आइए फटाफट देख लेते हैं। लंच बॉक्स के लिए कद्दू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे हरा वाला कद्दू ले लिया है, जिसको हम छिलके के साथ बनाएंगे। अक्सर ये हलवाई या आप शादियों में कद्दू की सब्जी खाए होंगे, हरी वाली कद्दू सब्जी छिलके के साथ बनती है। तो सबसे पहले इसके बीज का, जो बीज में बीजा है, इसको हमें निकाल लेना है। और इसके साथ हम 3 से 4 आलू इसमें डालेंगे। आलू इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है, खासतौर पे अगर बच्चों के लिए आप सब्जी कद्दू सब्जी और पूड़ी बना रहे हैं तो उसमें आलू बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको हमें काट लेना है पीसेस में। पीस में अगर आप काट लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये आपका बीज का जो बीजा है वो निकल जाएगा। अगर आप पीला वाला कद्दू बना रहे हैं तो उसके छिलकों को निकाल दीजिए, क्योंकि हरे कद्दू को आप छिलके के साथ बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी वो गल जाता है, पक जाता है और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से इसको हम निकाल देंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको छिलके को निकाल भी सकते हैं। आप चाहें तो कद्दू की मात्रा जो ले रहे हैं उसमें आधे छिलके वाले भी रख सकते हैं और आधा आप इस तरह से छील कर भी डाल सकते हैं। तो दोनों मिला के भी डालेंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब ये आलूओं को हम छील लेंगे। आलू की मात्रा आप अपनी कद्दू की सब्जी के हिसाब से डालें, या फिर आपको नहीं पसंद है तो आप आलू को हटा भी सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए अगर आप कद्दू की सब्जी पूड़ी बना रहे हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है इसमें पड़ने वाला आलू। इस तरह से हमने 4 आलू, 500 ग्राम कद्दू में हमने 4 आलू ले लिया है और इन्हें हमें पहले छोटे छोटे पीसेस में काट लेने हैं कद्दू। इस तरह से ये सारी सब्जियों को हम काट लेंगे और काटने के बाद 2-3 से 4 पानी में हमें इसको अच्छे से धुल करके इसका पानी निकाल लेना है, ताकि इसमें पानी ना रहे। तो हम इसको काट करके 3 से 4 पानी से धुलने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। सब्जी को हमने अच्छे से काट लिया है और धुल करके इसको साफ कर लिया, इसका पानी हमने निकाल दिया है। पानी हमें कद्दू की सब्जी में एकदम नहीं डालना है। और इसको छौंकने के लिए हमने यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है और प्याज को हमने काट लिया है। इसके साथ 5 से 6 लहसुन की कली है, लहसुन की कली को हमने महीन महीन काट दिया है। अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ हमने 5 फोड़न लिया है, इसमें हमने सौंफ लिया है 1/4 स्पून, 1/4 स्पून इसमें खड़ी धनिया लिया है, 1/4 स्पून इसमें अजवाइन लिया है, 1/4 स्पून इसमें हमने कलौंजी लिया है और साथ में इसमें मेथी दाना हमने लिया है 1/4 स्पून, 1/2 टीस्पून हमने जीरा लिया है, 1/2 टीस्पून हमने काली वाली जो सरसों है वो लिया है और 1/2 टीस्पून हमने कस्तूरी मेथी लिया है। साथ में 3 से 4 हरी मिर्च हमने महीन काट लिया है। मिर्च की मात्रा और नमक की मात्रा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग में दे सकते हैं। हमने 500 ग्राम कद्दू और साथ में 4 आलू है हमारा, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें ये मसाले की मात्रा ली है। अब और साथ में कुछ मसाले जाएंगे और मसाले मैं इसको फिर आगे मैं डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी कुछ इसमें मसाले जाएंगे। तेल हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल में ये कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। बाकी अगर आपका जो भी तेल का टेस्ट अच्छा हो आप उसमें भी बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो जाएगा, हमने 2 टेबल स्पून इसमें तेल लिया है। तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो ये हमारे जो मसाले हैं 5 फोड़न जिसको कहते हैं वो डाल देंगे, साथ में कसूरी मेथी जाएगा। इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा और इस मसालों की खुशबू हमारे तेल में आ जाएगी। फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को हमने जो छील करके महीन काट लिया है वो डाल देंगे, थोड़ा सा लहसुन में एक लाइट कलर आ जाए। अब इसके साथ हमें हरी मिर्ची डाल देना है। हरी मिर्च के साथ हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हल्का लाइट गोल्डन कलर करना है, हल्का लाइट, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइट गोल्डन कलर। लाइट गोल्डन कलर करेंगे तो सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें 1 टमाटर जाएगा, 1 से 2 टमाटर आप डाल सकते हैं, जैसा आपको सब्जी के खट्टापन पसंद है उस तरह से आप इसमें 1 से 2 टमाटर डाल सकते हैं। प्याज में देखिए हल्का सा मेरा कलर आने लगा है,
थोड़ा सा कलर और हम इसको देंगे ताकि सब्जी में ये बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आए। अब इसमें हमें टमाटर डाल देना है और इसके साथ जो हमने ये सब्जी काट के रखी है ये डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें स्लो कर देना है और स्लो फ्लेम से हमें इसमें हमने मसालों में आधा चम्मच गरम मसाला लिया है और 1/4 स्पून हमें हल्दी पाउडर लिया है वो डाल देंगे। आधा चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च लिया है और उसके साथ आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है वो डाल देंगे। और यहाँ पे हमने भुना हुआ जीरा आधा चम्मच और आधा चम्मच हमने पिसी हुई खटाई लिया है। अगर आपके पास पिसी हुई खटाई नहीं है तो आप इसकी जगह टमाटर की मात्रा बढ़ा सकते हैं या फिर आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, ये डाल देंगे। और यहाँ पे हमने दो तरह के नमक लिए हैं, एक वाइट वाला और एक ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला नमक हमने 1/4 स्पून लिया है और वाइट वाला हमने आधा चम्मच लिया है, इसको डाल देंगे। और इनके साथ हमने यहाँ पे एक टुकड़ा गुड़ का रखा है, ये लगभग हमारा 2 इंच टुकड़ा है, 1 टेबल स्पून ये गुड़ है। जब इसको हम भून लेंगे 15 से 20 मिनट में हमारा ये कद्दू की सब्जी गल जाएगी, तो भुनाई के बाद ये गुड़ का टुकड़ा डाल देंगे। इससे इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है। कभी आप शादियों में कद्दू की सब्जी खाते हैं तो उसमें हल्का सा मिठास, हल्का सा कड़वापन होता है, तो ये गुड़ का जादू जो है इस सब्जी में जब जाएगा तो आपके स्वाद जबान को बहुत ही टेस्टी लगेगी सब्जी। अगर आप गुड़ नहीं डालते हैं तो एक बार गुड़ डाल के ये कद्दू की सब्जी बनाएं और फिर इसका स्वाद देखें। इन सभी मसालों के साथ हमें इन सब्जियों को मिक्स कर देना है और इसमें हमें पानी नहीं डालना है। इस चीज़ का हम बार बार मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि पानी डालेंगे तो फिर उसका स्वाद दूसरा हो जाएगा। इसको हमें मिक्स करके और इसको स्लो फ्लेम पे हमें दम पे, जिस तरह से दम पे हम लोग रखते हैं दम पे, और उसी तरह से स्लो फ्लेम पे हमें इसको छोड़ देना है मिक्स करने के बाद। और बीच बीच में हमें 5 से 6 मिनट में बीच बीच में हमें इसको खोल करके पलटते जाना है। 10 मिनट के बाद कद्दू अपना पानी रिलीज करेगा, इससे हमारे आलू भी गल जाएंगे और साथ में टमाटर है, टमाटर भी पानी रिलीज करता है, तो उससे हमारे आलू और कद्दू की सब्जी अच्छे से गल जाएगी। तो बीच बीच में हम चलाते जाएंगे 5 से 6 मिनट में। इस तरह से 15 से 20 मिनट में हमारी ये कद्दू की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और दूसरे साइड में हम पूड़ी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। 5 मिनट हो गया है हमारी सब्जी को पकते हुए, इसको बीच में एक बार फोल्ड करके इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेना पसंद से, क्योंकि हमें पानी नहीं डालना है और ये सब्जी हमारी ये गलने लगी है। ये देखिए अच्छे से ये हमारी स्पैचुला से ये अच्छे से ये गल रही है, थोड़ी बहुत कसर इसमें और है। तो 5 मिनट के लिए इसको कवर करके अभी हम और छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसको अच्छे से फिर भुनाई कर लेंगे। इसको कवर करके हमें एक बार फिर से छोड़ देना है। और दूसरे साइड में हमें पूड़ी का आटा तैयार कर लेना है। पूड़ी के आटे को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप आटा दिया है और 1 कप आटे में हमें आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप चाहे इसमें रिफाइंड ऑयल की जगह देसी घी भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और इसके साथ इसमें 1/4 स्पून 1 पिंच समझ लीजिए 1 पिंच इसमें अजवाइन है, 1 पिंच इसमें कलौंजी है, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। और साथ में बच्चे को टिफिन में, क्योंकि सुबह के टाइम होता है बच्चे जल्दबाजी में कुछ खा के नहीं जाते हैं, तो उनको कुछ हेल्दी न्यूट्रिशन देने के लिए हमने यहाँ पे बादाम का पाउडर पीस करके रख लिया है, जो कि आधा चम्मच हम पूड़ी में डाल देंगे। इससे बच्चे को ड्राई फ्रूट पहुँच जाएगा। और इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जिस तरह से हम लोग चपाती का आटा गूंथते हैं, चपाती का आटा थोड़ा सा नरम होता है और पूड़ी के लिए हमें थोड़ा सा टाइट रखना होता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें भून लेना है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके इस आटे को भून लिया है और अच्छे से इसको नीट कर लेंगे। अब इसमें हमें पानी नहीं डालना है। इस तरह से ये आटा हमारा देखिए काफी अच्छे से भून गया है, बहुत ज्यादा ये ढीला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब इसको हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, 2 से 3 मिनट छोड़ देंगे जब तक हमारी सब्जी हो रही है। इधर हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी फिर हम इसकी पूरी तल कर निकालेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट एक बार हमने इसको खोल करके पलट पलट कर लिया था और 5 मिनट के बाद, और इस तरह से हमारी ये 10 मिनट सब्जी हो गई है। और एक बार इसको हमें अपने स्पैचुला से देख लेना है गल गया है कि नहीं, और बहुत ही आसानी से ये देखिए ये टूट रहा है, इसका मतलब ये हमारा हो गया है तैयार। अब इसकी भुनाई करेंगे हम, ये गुड़ डाल देंगे इसमें और गुड़ डाल के हमें इसको
इस तरह से अच्छे से चला लेना है ताकि गुड़ सारे हमारी सब्जी में मिठास अच्छे से आ जाए और गुड़ मेल्ट हो जाए। इस तरह से इसकी भुनाई भी करते रहेंगे और हमारा गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा। देखिए बिना पानी डाले ये हमारी सब्जी कितनी बेहतरीन और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें हमने पचफोड़न डाला है और साथ में जो भी मसाले डाले हैं उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और इसकी भुनाई के बाद वक्त आपके पास अगर पुदीने की पत्तियां हो तो पुदीने की पत्ती जरूर डालें, इससे इसका खुशबू और साथ में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे मेरे पास पुदीना नहीं था, मैं हरी धनिया से इसको गार्निश करूँगी और तेज आंच पे इसकी हमें भुनाई कर लेनी है। अब इस चीज़ पे हमें गैस बंद कर देना है और इसमें हमें हरी धनिया काट के डाल देना है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी 3 से 4 चम्मच इसमें हरी धनिया डाल देंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आए, और इनको भी हमें मिक्स कर लेना है। इस तरह से ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है हमारे थर्ड लंच बॉक्स के लिए। और अब हम दूसरे साइड में पूरी तल देंगे ताकि हम टिफिन को लगा सकें बच्चे के लिए। और इसको बंद करने के बाद आप चाहें इसमें नमक मिर्च टेस्ट कर लें, और अगर आपको कुछ कम लग रहा है तो उसमें ऊपर नीचे आप डाल सकते हैं। तो इसको एक साइड में कर देंगे, दूसरे साइड में हम पूरी तल लेंगे। सब्जी हमारी तैयार हो गई है और यहाँ पे हमने तेल को रख दिया है हल्का गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पे, और यहाँ पे हम पूड़ी को तैयार कर लेंगे। तो पूड़ी के लिए हमें छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेनी है। जिस भी साइज में आप अपने बच्चे को टिफिन में पूड़ी देना चाहते हैं वो साइज आप रख सकते हैं। थोड़ा सा आटा लगा लेंगे या फिर आप इसकी जगह पे तेल भी ऑयल भी लगा सकते हैं। हमने पूड़ी के आटे को में बादाम डाला है 1/2 चम्मच। आप इसके जगह कई मिक्स ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं या फिर आप मूंगफली का दाना भी अच्छे से इसको आप भून लें। भूनने के बाद उसके छिलके निकाल करके एक पाउडर बना करके रख लें, और जब भी आप बच्चों के लिए पूड़ी या रोटी तैयार कर रहे हैं तो उसके आटे में आप डाल सकते हैं। इससे क्या है कि हाई प्रोटीन अब बच्चों को मिलेगा और बच्चों को की बढ़ती हुई बच्चों में मदद भी करेगा। तो तेल हमारा यहाँ गर्म हो गया है और एक एक करके हम पूड़ियों को तल लेंगे, और दोनों साइड में हल्का सा लाइट गोल्डन कलर कर लेंगे ताकि पूड़ी में क्रंच रहेगा तो बच्चों को खाने में काफी मजा आता है। तो एक एक करके हम इसको तलते जाएंगे। बाकी की सारी पूड़ियां इसी तरह से हम तल करके निकाल लेंगे। इस तरह से ये हमने पूड़ियां अपने बच्चे के टिफिन के लिए तल ली है। अब हमें टिफिन को अरेंज कर लेना है, तो आइए हम टिफिन को लगा लेते हैं। इस तरह से कद्दू की सब्जी और हमारी पूड़ी तैयार हो गई है। और यहाँ पे हमने एक टिश्यू पेपर ले लिया है और इसमें हमें इन पूड़ियों को रख देना है और इसको हमें कवर कर लेंगे। और सब्जी वाले कंटेनर में हमें इस तरह से जितनी भी क्वांटिटी में आपका बच्चा खाता है आप थोड़ा सा उससे बढ़ा करके रखें। इस तरह से ये हमने सब्जी को रख लिया है और इसको हमें बंद कर देना है और इसको हमें साइड में रख देना है। और यहाँ पे हमने आज मैं कोई फ्रूट नहीं दे रही हूँ, इसके जगह पे मैं फ्रूटी दे दूंगी। तो फ्रूटी रख देंगे एक साइड में। तो इस तरह से ये हमारा आज थर्ड हमारा लंच बॉक्स बनकर तैयार हो गया है, और हमारे बच्चे के स्कूल का भी टाइम हो रहा है, और फटाफट कम समय में ये हमारी कद्दू की सब्जी और पूड़ी और लंच बॉक्स हमारा थर्ड तैयार हो गया है। कद्दू की सब्जी और पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है तीसरे दिन के लंच बॉक्स के लिए पैक होने के लिए। कद्दू की सब्जी को बनाने के लिए हमने जो जो बातें बताई हैं उन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी टेस्ट हलवाई का ही टेस्ट आपके भी हाथों में आएगा और वही टेस्ट मिलेगा जो कि अक्सर हम लोग हलवाई से बनवा कर खाते हैं। उसी तरह से पूड़ी को बनाने के लिए बढ़ते हुए बच्चों को हमें उनकी ग्रोथ का ध्यान रखना है और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप कभी भी पूड़ी बना रहे हैं या रोटी बना रहे हैं तो उसके आटे में आप ड्राई फ्रूट का कोई भी जो भी बच्चा अगर आपका खाता है या नहीं भी खाता है तो उसका पाउडर बनाकर रख लें और 1 से 2 चम्मच डाल देंगे तो अच्छा हेल्दी ऑप्शन भी है। और साथ में अगर इसमें आप बेसन भी मिला सकते हैं इसके आटों में, या फिर आप कुछ वेजिटेबल जैसे कुछ हरी सब्जियां जो बच्चे नहीं खाते हैं तो उनको भी आप डाल करके कई तरह से पूड़ी पराठे बना करके उनको दे सकते हैं उनकी पसंद की सब्जी के साथ।
तो इस तरह से बच्चों को अगर आप लंच बॉक्स पैक करेंगे तो उनको खाने में भी अच्छा लगेगा और साथ में हम लोग को भी तसल्ली होगी, क्योंकि बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन उनके जा रहा है। और तो आपको हमारी ये तीसरे दिन की लंच बॉक्स की रेसिपी कैसी लगी, फटाफट ये 15 से 20 से 25 मिनट में ये हमारा लंच बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। तो आपको हमारी लंच बॉक्स की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स दें, और इसी तरह से हमारे हंग्री स्पून चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने परिवार और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। 1, 2, 3, 4Thanks for watching. Stay tuned with Hungry Spoon.